19 কৃষ্ণপুর মণ্ডল নিশাথার মুংবাই বিজেপি বদল নি বাতাই নাই বিকাশ দেবর মানি পীর মুঙ্গ ফাশালো চাকমাঘাট ব্রিজ আমসাই অক্লাই জাক্কা বিজয় সংকল্প লুকুথুম পান্দা পান্দা ও নারওয়াই অক্রা উমুই মানজাখা আসাম হাস্তিনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর হেমন্ত বিশ্বাস শর্মা মানজাকা তেলেমরা বিধানসভা আমসাইনি বিজেপি বদল নি বাতাই নাই কল্যাণী রৈন্য খবই বিজেপি নি গুবুন আদং র মনোনীত প্রার্থীরা মালা এবং উত্তর দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন চুনাও মে হামকো ভোট দেনা হ্যাঁ কিসি না কিসি কো তো ভোট দেনা হি হ্যাঁ তো পহলে আপলোক দো সাল সিজ আপলোক থোড়া সোচ লিজিয়ে मैं कृष्णापुर में पहले में भी आया हूँ तेलियामुड़ा में भी आया हूँ जब अगरतला से कृष्णापुर आपको आते हैं तो पूरा रास्ता पर खाली लाल कार्यालय लाल ऑफिस है ना सारा जगह में लाल ऑफिस था कोई रेशन कार्ड चाहिए तो लाल ऑफिस में जाइए पुलिस थाना में कुछ इशू है तब भी लाल ऑफिस में जाइए और महीना आपका सरकारी कर्मचारी को कुछ दरमाहा मिलता है उनका भी कमीशन लाल ऑफिस में देना था त्रिपुरा में लेकिन आज मैं पूरा अगरतला से कृष्णपुर आया यहाँ में कोई लाल ऑफिस नहीं है पूरा त्रिपुरा से लाल ऑफिस साफ हो चुका है यह सबसे बड़ा बात है मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ कल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का ऊपर चर्चा कर रहा था तो मोदी जी ने क्या किया जब हमारा कोविड का समय हुआ था मोदी जी ने हमको 35 केजी चावल मुफ्त में देने का फैसला किया किया कि नहीं सबको मिला है कि नहीं 35 केजी चावल आज आप लोग देखिए कल मोदी जी ने बजट में बोला कि ये चावल बंद नहीं होगा ये साल आगे भी सबको मिलते रहेगा आज आप देखिए गरीब लोगों को 35 केजी साल मोदी सरकार हम लोग को मुफ्त में देता है साथ में हमारा त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम होता है साथ में हमारा कृषक सम्मान निधि का धन हमारा अकाउंट में आते हैं और साथ में हमारा जो त्रिपुरा का बीजेपी सरकार है वो बीजेपी सरकार हमारा जो मासिक भत्ता था वो 700 रुपया से 2000 रुपया तक बढ़ा दिया है कि अभी हमको भत्ता 2000 रुपया से मिलना शुरू हो चुका है ভারতীয় জনতা পার্টির তেলিয়ামুড়া এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভার মনোনীত প্রার্থী সহ সমস্ত নেতৃত্ব এবং মঞ্চের সামনে যারা মাননীয় মুখ্য সচেতক তথা জাতি উপজাতি সকলের প্রিয় নেত্রী তেলিয়ামুড়া বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রদ্ধেয় কল্যাণী রায় মহোদয়া তার পরবর্তীতে ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখবেন আমি ভলান্টিয়ারদের অনুরোধ করছি